एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। टुडेज़ मेन्यू इज़ लाइम गार्लिक चिकन। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इसका नाम है लाइम गार्लिक चिकन। तो इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ आपको दिखाती चलूँ। ये मैंने ले लिया है 750 ग्राम के करीब चिकन, यानी ये तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा है, 750 ग्राम्स। इसकी मैंने छोटी बोटी ली है, ये देखिए इस तरह से। ये मैं आपको थ्री स्टेप्स में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको स्टेप वन बताने जा रही हूँ इसकी मैरिनेशन चिकन की। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको दिखा दूँ। हाफ टी स्पून मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून ऑफ चिली पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। ये मैंने लिया है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ योगर्ट और 1/4 टीस्पून ऑफ ओरिगानो। ओरिगानो का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके इसे मैं रख दूंगी। तो चलिए इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। चिकन में सब चीज़ें मैं ऐड करती जा रही हूँ। सॉल्ट, ओरिगानो, गार्लिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर एंड योगर्ट। इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद आपको बताऊंगी स्टेप टू में क्या करना है। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है अच्छे से, सब मसाला इसमें मिक्स हो गया है। इसे मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगी स्टेप टू में हमने क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टेप टू में क्या करूँगी। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई या एक बर्तन में बटर को मेल्ट करूँगी और उसमें शामिल कर दूंगी मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। इसके साथ ही जैसे ही चिकन थोड़ा थोड़ा पकेगा, मुझे इसको फ्राई सा करना है, गोल्डन ब्राउन होगा, जैसे इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। ये कुटी हुई मिर्च है मेरे पास, काली मिर्च, एंड 1/2 टीस्पून ऑफ लाइम जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ये मक्खन आपको दिखाया था। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिकन। इसको मैं रखूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये मैंने इसमें सारा चिकन जो है वो ऐड कर दिया है मैरिनेट हुआ हुआ। इसे मैं हल्का सा कलर आ जाए चिकन पे तो पलटूंगी, गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। वन बाय वन चिकन को मैं पलट दूंगी। ये देखिए एक साइड से ये हो गया है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर, कुटी हुई क्रश जो ब्लैक पेपर है, कुटी हुई काली मिर्च,
हाफ टी स्पून के करीब, और साथ ही लेमन जूस, लाइम जूस सॉरी, इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी चिकन को। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, ये देखिए दोनों तरफ से आ जाए। थोड़ा सा बटर मैंने इसमें और ऐड किया है। चिकन तकरीबन हो चुका है, अब मैं चिकन को इसमें से निकाल कर अलग रख लूँगी और इसी कढ़ाई में स्टेप 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर बहुत बटर की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस वक्त, इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा बनेगा। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मैं इसे निकाल के अलग से रख लूँगी और इसी कढ़ाई में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 3। ओके व्यूअर्स, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टेप 3। जी हाँ, स्टेप 3 में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखाती चलूँ। इसमें मैं ग्रेवी बनाऊँगी चिकन की, इसके लिए मैंने इस्तेमाल करना है 2 टीस्पून ऑफ गार्लिक, ये मैंने चॉप किया हुआ लिया है, 1 चिकन स्टॉक किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, 1 टीस्पून ऑफ क्रश ब्लैक चिली, कुटी हुई काली मिर्च जो है साबुत वो, और सॉल्ट जो है वो टेस्ट के मुताबिक, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ओरिगानो 1 टीस्पून, लाइम जूस 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ अनियन, ये मैंने चॉप की भी ली है 1 मीडियम साइज़ की, और 1 मीडियम टोमेटो चॉप किया हुआ है ये सब। इसके अलावा इसमें जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है फ्रेश क्रीम, ये मैंने ले ली है, इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 3। ये उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, मैंने उसमें से चिकन निकाल लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, थोड़ा सा, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल इसमें ऐड करूँगी। जैसे ही बटर मेल्ट होता है इसमें मैं ऐड कर दूँगी अनियन जो मैंने चॉप की हुई है 1 मीडियम साइज़ की, इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। ज़रा सी ये गोल्डन होगी तो इसमें मैं 2 टीस्पून ऑफ गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड करूंगी। अनियन फ्राई हो रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस टाइम। थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक लहसुन, अच्छे से इसको अब गोल्डन करूंगी।
थोड़ा सा और इसमें कलर आ जाए, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो जो मैंने मीडियम साइज का एक चॉप किया हुआ लिया था, और उसके साथ बाकी सारे मसाले। थोड़ा सा इसका और कलर आ जाए फिर। प्याज और लहसुन जैसे ही फ्राई हुए उसमें मैंने बाकी सब चीज़ें ऐड कर दी। टमाटर जो मैंने चॉप किया हुआ रखा था, चिकन स्टॉक, ऑरिगानो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और गार्लिक पेस्ट, ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने इसमें हाफ कप ऑफ वाटर ऐड किया। अब मैं इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन जो हमने फ्राई किया था। लेमन जूस, फ्रेश क्रीम, ये कुकिंग क्रीम है, सॉरी, ये मैंने लिया है 3/4 कप। ये मैं अच्छे तरह से इसको फेंट के और इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि चिकन में जो थोड़ी बहुत अगर कसर है वो भी हो जाए और इसका मसाला भी इसमें अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 कप ऑफ वाटर ऐड किया है क्रीम के साथ। ये देखिए, इसको मैं कवर कर रही हूँ, थोड़ी सी फ्लेम में इसमें लो कर देती हूँ। 5 to 10 मिनट्स के बाद चेक करूँगी कि चिकन गल गया है या नहीं। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब चेक करते हैं। ये देखिए, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया, ऑयल नहीं बल्कि बटर जिसमें मैंने इसे बनाया था, बहुत मज़ेदार सी खुशबू है, चिकन भी बिल्कुल गल गया है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। चिकन मैंने डिश आउट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार सा है। आप सब लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कुछ मज़ेदार सा लेके हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम फिर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।